हाय गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज की रेसिपी है, इट्स ओरिएंटल सिजलर यानी स्नैक्स चिली पोटैटो, यानी कि एक चाइनीज़ स्टार्टर है, ये चाइनीज स्नैक है विच इज़ द मोस्ट मोस्ट डिमांडेड रेसिपी ऑफ द चैनल। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि यार चिली पोटैटो हम अक्सर बनाना चाहते हैं घर में, लेकिन जो बाज़ार वाला टेस्ट है वो नहीं आता किसी कारण की वजह से। तो ये रेसिपी खासकर उन लोगों के लिए है टू मेक द सेलेक्टेड इंग्रीडियंट्स के साथ अगर आप बनाएंगे तभी एक वो जो बाज़ार वाला टेस्ट है वो इन्हेंस होगा, वो आपको चिली पोटैटो में मिलेगा, द होम मेड रेसिपी। सो आज की रेसिपी चिली पोटैटो के बाद होगी और वो मिलते हैं हम इस बार। चार मीडियम साइज आलू और इसके अंदर जाएंगे चार चम्मच कॉर्नफ्लावर के, और इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोट हो गए, अब डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट। ऑयल एकदम हॉट हो चुका है, अब डालेंगे इसमें हमारे पोटैटोस और डीप फ्राई करेंगे उन्हें, और गिनती के 2 से 3 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। फुल डन नहीं करना है यहाँ पे, हाफ डन से थोड़ा ज्यादा हमें इसको फ्राई करना है। अच्छे से थोड़े से हमें क्रिस्पी करने हैं हमारे पोटैटोस। गाइस यहाँ पे हमारे पोटैटोस एकदम अच्छे से हो गए हैं फ्राई, अब हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। और अब तैयारी करेंगे हमारी सॉस की। सो गाइस सेकंड स्टेप इज, यहाँ पे मैंने हॉट पैन ले लिया, अब 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगा ऑयल और इसे भी कर लेंगे अच्छे से गरम। मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक फाइन चॉप किया है, अभी भी जाएगा हमारा पैन में, और इसे लाइट से सौते करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जिंजर गार्लिक एकदम सौते हो चुका है, अब मैं डालूँगा इसमें 1 मीडियम अनियन और 1 शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। अब हल्का हल्का हम इसको भी सौते करेंगे। अब इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 चम्मच शेजवान के बाद रेड चिली सॉस, और करीबन 3 चम्मच के आसपास हमारा रेगुलर टोमेटो केचप यानी टोमेटो सॉस, और अ डैश ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारी सॉस का अच्छे से कलर आ चुका है, अब बारी है इसमें फ्रेंच फ्राइज यानी पोटैटोस डालने की। सो गाइस अब बारी है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालने की, और यहाँ मैं डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एंड 1 गुड नाइट स्टिक। चिली पोटैटो एकदम रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे चिली पोटैटो हमारे एकदम रेडी हुए हैं। अब हमारी ऐसे ट्रांसफर करने की है बाउल, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बोरोसिल ग्लास बाउल। नाउ वी गोना गार्निश विद सम स्प्रिंग अनियंस, हरा प्याज मैं यहाँ डाल रहा हूँ इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा तिल। सो गाइज ये है रेसिपी, और इन्जॉय करिए इसको। और ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें थोड़ा सा इसमें धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को और बताइए कैसी बनी इन माय कमेंट सेक्शन।